नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल है, तमाम जगहों पर पंचायत चुनाव हो रहा है। ऐसे में एक खबर भागलपुर से निकल कर आई है, जहां पर भागलपुर के फतेहपुर पंचायत में महज 21 साल 2 महीने की उम्र में एक महिला जो है, एक लड़की जो है, वो मुखिया बनी है, मुखिया का चुनाव जीती है। बिहार में सबसे कम उम्र में मुखिया बनी है, जिनका नाम है आयशा खातून। जी हाँ, तस्वीरों में देखिए पहले आप किस तरीके से जब वो जीत कर आती हैं तो उनके घर पर पूरे पंचायत के लोगों का जमावड़ा लग जाता है, आतिशबाजी की जाती है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो आतिशबाजी है वो लगातार की जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से जो उनके पंचायत के लोग हैं वो जय जयकार लगा रहे हैं। उनसे जब पूछा गया, आयशा खातून से जब पूछा गया कि अब आप चुनाव जीती है, इतने कम उम्र में लोगों का प्यार मिला है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत का विकास में हमेशा आगे रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बातें वो कह रहे हैं कि पंचायत का हर संभव विकास करने की कोशिश करेंगे। उनके पति हैं इंजीनियर ताज, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना था कि हम एक बार पहले भी चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपनी माँ को चुनाव लड़वाया था, मगर इस बार पत्नी उनकी चुनाव लड़ी है और महज 21 साल की उम्र में चुनाव जीती है। जरा एक बार सुनिए दोनों को, पति पत्नी दोनों, पति पत्नी को, आयशा खातून को और इंजीनियर ताज को क्या कुछ कह रहे हैं दोनों। गांव की सेवा करने का मौका मिला है, पूरे जनता के बहुत खुशी महसूस हो रही है। फतेहपुर पंचायत की पूरी जनता मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंदिरा आवास नहीं बना है तो उस क्षेत्र में काम करूँगी। राशन कार्ड, शिक्षा के स्तर में, यहाँ पर भी शिक्षा का स्तर निम्न है तो इसीलिए शिक्षा के स्तर में भी काम करूँगी। BA कर लूँगी। पूरे मेरे तरफ से तो है, पूरे खड़ी उतर पूरा कोशिश करूँगी। मुख्य कारण है कि मैंने पहले शादी नहीं भी हुई थी तो घूमे थे, पति का भी सहयोग कि उसके इरादे में खड़ी उतरूंगी। बहुत खुशी महसूस हो रहा है और इस खुशी का कारण यह है कि मैं पूरे फतेहपुर पंचायत के जनता हमें पूरा सहयोग की है, इस वजह से आज हम इस मुकाम पर आए हैं। और इससे सर एक बात हमें और बता दूँ, इससे पहले भी मैं एक बार चुनाव लड़ा हूँ, हमारी माँ लड़ी थी उसमें असरफुल के नाम से, मैं उसमें भी मेरे घर नहीं रहा था मैं तो यहाँ पर लेडीज सीट था, इसलिए ही मैंने अपने पत्नी को याद रखा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे और सफाई के क्षेत्र में काम होगा। तो आपने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया आयशा खातून को सुना है, जो कि भागलपुर के फतेहपुर पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुई है, मुखिया चुनाव जीती है, बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। आपने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से जो पूरे पंचायत हैं वो उनके घर पे उनका अभिनंदन करने के लिए पहुंचा है, जय जयकारा लगाया जा रहा है, आतिशबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं फतेहपुर पंचायत में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशियों का, हर्षोल्लास का माहौल है कि काफ़ी कम उम्र में लड़की महिला बनी है, पूरे बिहार में सबसे कम उम्र की महिला जो है वो मुखिया बनी है। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।